सबसे पहले मैं NDIM को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आनंद जी के कहने पर, और तमाम आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आनंद जी के कहने पर, वंशल साहब के कहने पर आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और माइंडफुलनेस, हैप्पीनेस, इन सब पर बात करने के लिए बैठे हैं। वंशल साहब को और पूरी टीम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए भी धन्यवाद कि इन्होंने लाइब्रेरी का ये वेन्यू चुना। एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब लोग किताबों की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस वी आर सिटिंग, कि हमको किताबों की तरफ देखना ना पड़ेगा, कि आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि मुझे देखना पड़ेगा। खैर, हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं हिंदी में बात रखूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ही सोचता हूँ, एंड माई फ्रेंड फ्रॉम जापान मैंने भी बहुत, हम उनको बाद में बता, आई ऑल्सो सीन दैट हाउ जापानीज लव टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज। जस्ट 1 वीक आई हैव कम फ्रॉम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभी जापान से 1 हफ्ते पहले ही लौटा था और मुझे लगा कि उसी के कंटिन्यूशन में सारा प्रेजेंटेशन चल रहा है। 3 साल साढ़े 3 साल पहले गवर्नमेंट में काम करना शुरू किया था और इस बिलीफ के साथ किया है, कर रहे हैं, राजनीति में भी इसी बिलीफ के साथ आए हैं कि एजुकेशन एक कोर इशू है जिस पर देश में काम होना है। हमने बहुत अलग अलग डायमेंशंस में काम किया है देश में, इंडस्ट्री में काम किया है, टेक्नोलॉजी में काम किया है, बहुत अचीवमेंट रही है देश की। एजुकेशन में भी मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है, किसी इल्यूजन में नहीं है कि हम पहली बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं। IIM हमने नहीं बनवाया, IIT हमने नहीं खुलवाए, इवन देर आर सो मैनी गुड स्कूल्स अराउंड द कंट्री, हमने नहीं खुलवाए। वी आर जस्ट 3-year-old पार्टी एंड 3-year-old गवर्नमेंट, 6-year-old पार्टी। तो हम किसी चीज़, उस जो कुछ हुआ है उसको कंटिन्यूशन में आगे ले जाके एक नए डायमेंशन के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। अभी तक इसमें, इस मॉडल में जो भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ और अच्छे हुआ, उसमें एक छोटी सी खामी रह गई। वो खामी रह गई कि 5% बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन और 95% बच्चों को बहुत कम चला हुआ एजुकेशन मिलती है। वो एक बड़ी खामी रह गई। वी हैव IITs, वी हैव IIMs, वी हैव एन नंबर ऑफ टॉप लेवल इंस्टीट्यूट, वेयर स्काई इज द लिमिट, बट आई मे बी साइंटिफिकली रॉन्ग, मैथमेटिकली रॉन्ग, नॉट 5%, 6%, मे बी 8-10%, वॉट एवर, लेकिन बाकी का जो 90-95% देश है वो कहाँ फंसा हुआ है, उसकी लिमिट हमने तय नहीं की। दुनिया के जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके अच्छे से अच्छे स्कूल और इंस्टीट्यूशन में जो भी लिमिट हो सकती है, स्काई इज द लिमिट ऑफ क्रिएटिविटी, स्काई इज द लिमिट ऑफ इनोवेशन, एंड वी ऑल्सो हैव दैट। स्काई इज द लिमिट को हमने टच कर रखा है, ओपन कर रखा है, टच कर रखा है, बट वेयर इज द बॉटम लाइन। हम अपने किसी भी इंस्टीट्यूट को इतना इनोवेटिव, इतना क्रिएटिव, इतना मॉडर्न, इतना अपग्रेडेड कर देंगे कि स्काई इज द लिमिट, दैट्स वेरी गुड, वी हैव डन इट। बट हम अपने किसी भी स्कूल को, किसी भी इंस्टीट्यूट को मिनिमम इतना लाके जरूर खड़ा करेंगे, उसके लिए भी हमने कोई लिमिट नहीं छोड़ी है। यू कैन सी स्कूल्स, यू कैन सी कॉलेजेस, रादर स्कूल्स, स्कूल तो कहते हुए भी म्यूनसिपैलिटी का स्कूल भी याद आ जाता है, कॉलेजेस कहते हैं तो एक दिमाग में इमेज बनती है, एंड यू कैन इमेजिन कॉलेजेस अराउंड यू, यू मस्ट हैव सीन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन, जहाँ टीचर्स नहीं है, फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स चल रहे हैं, जस्ट बस एट द एंड ऑफ द डिग्री मिलती है। वी हैव कॉलेजेस इन द कंट्री जहाँ आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, उनके दलाल दिल्ली में बैठ के आपको वहाँ से डिग्री दिला देंगे, नॉट टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं होते ज़्यादातर ऐसे। स्कूल्स की बात करें, उसकी तो नीचे की कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब यू हैव स्कूल्स जहाँ पे बैठने के लिए डेस्क नहीं है, यू हैव स्कूल्स जहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, फॉरगेट अबाउट लाइब्रेरी, फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर, यू हैव स्कूल्स जहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे एनरोलमेंट में हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं, क्यों आए, तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि नीचे वाली लिमिट थोड़ी तय हो जाए। दुनिया के जितने भी देश हैं प्रोग्रेसिव कंट्रीज, जो को मैं समझता हूँ आप सब लोग दुनिया देखते हैं, स्काई इज द लिमिट में आप तय नहीं कर सकते हो आज की तारीख में। कहीं कोई अमेजन खोलता है तो हम भी फ्लिपकार्ट खोल के बैठ ही जाते हैं, कहीं कोई फेसबुक इनोवेट करता है तो हम भी उस फेसबुक को यूज करने के नए तरीके निकाल ही लेते हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। इट्स ट्रू, आई मीन दिस इज हाउ स्काई इज द लिमिट, लेकिन वो बॉटम लाइन क्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के, प्राइवेट
जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कोई बॉटम लिमिट होनी चाहिए, हम ये गारंटी दे सकें कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्चा कम से कम इतना तो जानता ही होगा। फिफ्थ क्लास का बच्चा, एट्थ क्लास का बच्चा सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाए, इससे नीचे क्या लिमिट हो? एट्थ क्लास का बच्चा कम से कम अपनी क्लास बुक की टेक्स्ट बुक तो पढ़ पाए, उसको हम इनोवेटर बनाएंगे, उसको हम स्किल देंगे, उसको हम इंजीनियर बनाए, पोएट बनाए, दैट्स सेकेंडरी। पर वो अपनी एट्थ क्लास में पढ़ते हुए अपनी टेक्स्ट बुक तो ठीक से पढ़ पाए, 2+2=4 तो सीख पाए, उतना भी नहीं है जितना एज एप्रोप्रिएट और क्लास एप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल्स हमने तय किए हुए हैं। उसके कितने साल पीछे कौन बच्चा है उसकी कोई लिमिट नहीं। हमने उस पर काम करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों को टच किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में काम करने गया मैं 3 साल पहले मिनिस्टर बनने के बाद, तो आई फाउंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मजाक है, वहाँ लगता था कि कैसे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे और कैसे कोई टीचर बैठ के पढ़ा सकता है। एक एक क्लासरूम में 150-200 हमें किताबों में लिख के रख दिया, कानून में लिख के रख दिया कि हम RT एक्ट लाए हैं, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, सब स्लोगन हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, RT भी मार दिया, 140 का रेशो होगा हमारे यहाँ पे, अच्छा लगता है, कोई रिसर्चर आए तो उसने इंडिया कितना प्रोग्रेसिव कंट्री है, 140 का रेशो अडॉप्ट कर लिया इंडिया ने, देश की राजधानी में 174 174:1 का रेशो था 3 इयर्स बैक, तो वो सारा फिक्स किया। वी आर द, जैसे आप सब लोग मोस्टली जानते होंगे कि 3 साल पहले हमने एजुकेशन का बजट आते ही डबल किया था, और अब हम हर साल पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट क्वार्टर 25% ऑफ आवर बजट इज बीइंग स्पेंड ऑन एजुकेशन फॉर लास्ट 3 मंथ्स इन दिल्ली। वी आर द ओनली गवर्नमेंट हु इज डूइंग दिस, अदर गवर्नमेंट्स आर डूइंग ऑलमोस्ट 10% टू वट एवर दे आर डूइंग, बट 25% दिस ईयर इट इज 26%, एंड इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज ओनली। आप सब लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सब लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं। दिल्ली में जब हम सरकार में आए थे तो हमारा बजट था 29,000 करोड़ रुपीज टोटल बजट, टोटल टैक्स कलेक्शन। अभी 3 साल के अंदर अंदर, उससे पहले उसमें बजट में हर साल जो इंक्रीज हो जाता बजट वो 1,000 करोड़ रुपए का होता था, 26,000-27,000। पिछले 3 साल का देखेंगे 2015 से पहले 26, 27, 28, 29, 30 उस तरह से बढ़ रहा था। पिछले 3 साल में 2015 के बाद से 8,000 करोड़ रुपये पर एनम बजट में बढ़ोतरी हो रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। सो वी डोंट कलेक्ट मनी फॉर ट्रांसफर्सन कोस्टिंग, वी डोंट कलेक्ट मनी फॉर इन डील्स। हमने रेड राज बंद किया, हमने मतलब इंस्पेक्टर्स को भेजना बंद किया, डेटाबेस एनालिटिक्स लगाया सिस्टम में, ये सारी चीज़ें की, उसका फ़ायदा ये हुआ। जनरली इंस्पेक्टर्स जा जाके जो टैक्सिंग करते थे वो सब बंद कराया, उसका फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा ये है कि दिल्ली में हर साल 8,000 करोड़ रुपये टैक्स का बढ़ता चला जा रहा है। आज दिल्ली का बजट 3 साल के अंदर अंदर 29,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ पहुँच गया है। सो इट्स नॉट अबाउट 25%, अर्लियर फर्स्ट ईयर इट वॉज 25% ऑफ 29,000 करोड़, नाउ इट्स 26% ऑफ 53,000 करोड़ रुपीज। सो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए मॉडर्न क्लासरूम्स, इंजीनियरिंग का जो भी बेस्ट यूज हो सकता था किया। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, वी कैन से कि इफ नॉट एट पार और ऑल, बट दिल्ली के जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमने उस जैसे बनाना शुरू कर दिया। आई एम नॉट सेइंग ऑल 1000 स्कूल हैव टच्ड दैट लेवल, बट यस, हमने मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिया है कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में हो सकता है नर्सरी का क्लासरूम या लैब उतना फैंसी ना हो, मॉडर्न लैब ना हो, लेकिन उसका क्लासरूम में अगर बच्चा बैठेगा तो लास्ट में बैठे हुए बच्चे को ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी नहीं था, मैंने इसी लगा कि आप टच करिए कौन सा इशू था और कितने मिनिमम है नहीं है, तो हमने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड तय किए हैं, और फिर अगेन स्काई इज द लिमिट, हम कितना किस स्कूल के लिए कर सकते हैं वो सब चल रहा है। इसी में बैठते हुए कुछ और डेवलपमेंट हुए, टीचर्स ट्रेनिंग कराए हमने। आज दुनिया के जितने भी बढ़िया टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सिंगापुर में, फिनलैंड में, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ पर दिल्ली के टीचर्स प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आए। हमारे प्रिंसिपल्स टीचर्स बहुत इनोवेटिव हो गए, काफ़ी हद तक उन्होंने नए नए इनोवेशंस करने शुरू किए, नए नए प्रयोग करना शुरू किए। उसका फायदा ये हुआ कि फर्स्ट टाइम फॉर लास्ट 2 इयर्स इट्स हैपनिंग नाउ, JEE का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के पहले साल में 210 और इस साल 272 स्टूडेंट्स एक्चुअली क्वालिफाइड।
फॉर मेंस, क्वालिफाइड फॉर मेंस। तो ये एक लेवल है, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट पिछले दो साल से प्राइवेट स्कूल से लगातार ऑलमोस्ट 10% 5% आगे आ रहा है, जो कि बहुत पहले पीछे होता था। आई एम नॉट सेइंग वी आर इन कॉम्पिटिशन विद प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूल हमारे हैं, मैं दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, आई एम नॉट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कि वो इतना नीचे था और कुछ हम कहाँ चले जा रहे थे, देयर वाज अ गैप। उस गैप को जब फुलफिल किया तो एक बड़ा क्वेश्चन सामने आया, सब ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी कर दी, बच्चा इंजीनियरिंग करने चला जाएगा आईटी में, ये नेशन कैसे खड़ा होगा, देश कैसे खड़ा होगा, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चों को थोड़ा सा और पुश करेंगे, वो आईटी और आईएम में बैठेगा या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके बैठेगा, उसके बाद अमेरिका की किसी कंपनी में काम करेगा, खड़ा कैसे करेंगे, देश कैसे खड़ा होगा, देश तो वहीं का वहीं रहेगा, फिर एज ए सोसाइटी हम वहीं के वहीं रहेंगे, हमारे सोसाइटी में जाति के झगड़े हैं, धर्म के झगड़े हैं, आपस के झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, बट एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दिस, बट मेनी टाइम्स आई फील आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई फाउंड एंड आई फेल्ट इन मेनी कंट्रीज कि जो हम किताबों में लिख के रखे हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, मेनी ऑफ द थिंग्स आई हैव सीन इन द वर्ल्ड, कि ये सब भारतीय ज्ञान था, भारतीय वे ऑफ लिविंग था, वो आई सेड समवेयर दिस and I heard this from somewhere also, someone else okay. हम ईस्ट में किताबों में लिखते हैं, somehow I found east in west on roads. हम अपने बच्चों को फिफ्थ क्लास में से पढ़ाना शुरू करते हैं, बेटा ट्रैफिक पे ठीक से चलना, रेड लाइट पे ठीक से खड़े होना, जब लाइट ग्रीन होगी तभी पार करना, हम किताबों में पढ़ाते हैं, वहाँ वो जीते ही ऐसे, क्योंकि मेरे यहाँ मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है, फिर वो देखता है अच्छा बत्ती खाली है तो पापा क्रॉस कर ही लेते हैं, तो डबल एजुकेशन है, एक स्कूल में पढ़ने के पास होने वाली, एक जीने वाली, तो इस सब के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए। हमारे यहाँ काम बहुत हुआ है, आई एम प्राइड इंडियन, शून्य की खोज हिंदुस्तान में हुई थी और 1500 साल पहले हुई थी, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज 300 साल पहले हुई थी अमेरिका में हुई थी, हम 1500 साल पहले उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास और सबको अंडरस्टैंड कर चुके थे। I'm not again going कि गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, नाले से गैस निकाली जा सकती है, I'm not going to that. मैं एक साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि हम शून्य की बात हम कहते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमने शून्य की खोज करने के बाद हमने गाना गाना शुरू कर दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब दे दिया, हमने उस शून्य का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, हमने उस शून्य को ठीक से अपने जीवन में नहीं उतारा, उसका नुकसान ये हो गया कि हम तो गाना गाते रह गए और सारा का सारा साइबर स्पेस शून्य कहाँ से लिंक हो रहा है, सारा का सारा साइबर स्पेस दुनिया के किसके कब्जे में है, दुनिया की कितनी कंपनियां साइबर स्पेस पे कब्जा करके बैठी हैं, एंड वी आर जस्ट एम्प्लॉयज ऑफ देम, हम उनकी नौकरियां करने का है। तो उस सब को देखते हुए कुछ इंटरवेंशंस करने का मन था कि कभी मौका मिलेगा, एक जर्नलिस्ट के रूप में हमेशा देखते थे कुछ करने का मौका मिलेगा तो काम करेंगे। एक और पेन था बिफोर आई गो टू हैप्पीनेस इशू एंड माइंडफुलनेस इशू, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आप में से बहुत लोग पढ़ते होंगे, इंडिया में क्लासिफिकेशन है, मतलब दुनिया में क्लासिफिकेशन है देशों में कि तीन तरह के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड अनडेवलप्ड कंट्रीज। तो हमें पढ़ाया जाता था कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, कुछ देश डेवलप हो चुके हैं, भारत जल्दी होने वाला है, तो हम पूछते थे कब होने वाला है, तो हमें हमारे टीचर्स या जो भी वेलविशर्स थे बताते थे बस 10-15 साल और लगेगा, होने वाला है। मुझे याद है मेरे फादर को भी यही बोला जाता था, जब वो पढ़ते थे तब भी यही बोला जाता था, इंडिया से डेवलपिंग कंट्री और थोड़े साल में बस होने वाला है, हमको भी यही बोला गया, आप सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा भी पढ़ता है, उससे पूछ लेना कि इंडिया से डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, और उनको भी यही सपना दिखाया जा रहा है, बस 10-15 साल की बात है डेवलप होने वाला है। सो कहाँ रह गए एजुकेशन, और वही 95% को हमने जो छोड़ दिया अपने हाल पे, उस एजुकेशन में रह गए। साथ साथ एजुकेशन में जो हमने बेस्ट एफर्ट भी किए सरकारी स्तर पे, वो स्कूलिंग के लिए किए, एजुकेशन के लिए नहीं किए। हम मिड डे मील बांटने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम किताबें बांटने में, यूनिफॉर्म बांटने में, स्कॉलरशिप बांटने में, हम अटेंडेंस ठीक करने में, हम ट्रुएंसी रोकने में, इन सब में सफल होना चाहते हैं, हम स्कूलिंग में सफल होना चाहते हैं, एजुकेशन में सफल होने में मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करें, क्या करें, उस सब को देखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन किया, हैप्पीनेस क्लास, हैप्पीनेस क्लास। उसको अभी बहुत सारे लोग मुझे आगे कहते थे मॉरल वैल्यूज पे काम नहीं कर रहे हो, पहले मॉरल वैल्यू पढ़ाई जाती थी, मैंने उनको भी पढ़ा और खुद समझा, मैं खुद एक
जर्नलिस्ट ना हूँ, हर चीज़ को क्रिटिकल नज़र से देखने की आदत है, उनका भी देखा मैंने, मुझे लगा कि क्या चलता था जिसको ये कहते थे पहले बहुत अच्छी एजुकेशन थी, बड़ा अच्छा मॉरल वैल्यूज पढ़ाई जाती थी, देख लेते क्या पढ़ाते थे, सब कुछ रटाते थे। गांधी जी थे बहुत अच्छे थे, वो वहाँ पैदा हुए थे, उनकी माता का नाम ये था, ये मॉरल वैल्यू की किताबों में मिलता था। एक्चुअली तो सोसाइटी से मिलता था जो मिलता था, या टीचर के अपने व्यवहार से मिलता था जो मिलता था, इंट्रोस्पेक्शन था, मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ तो मैं गलत नहीं करूँगा, वो सब नहीं हुआ। तो हैप्पीनेस करिकुलम को हमने डेवलप किया उसी बेस पे कि बच्चा अंदर झांक सके, इंट्रोस्पेक्शन कर सके, और उसके लिए सबसे पहले हमने माइंडफुलनेस को उसमें इंट्रोड्यूस किया। आई एम विपश्यना प्रैक्टिशनर, मैं जाता हूँ विपश्यना करता हूँ, राजनीति रेगुलर नहीं करने देती है लेकिन कोशिश करता हूँ जितना कर सकें। उससे भी आइडिया था इंडियन माइंडफुल, इंडियन इमोशनल साइंस जिसको डेवलप किया हजारों साल में जो डेवलप हुई, उससे भी आइडिया लिया। इसमें सबसे कोर आइटम जो हमने रखा वो है माइंडफुलनेस। आज जो उसके जिक्र आनंद कर रहे थे, आज दिल्ली के 1000 स्कूल्स में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 20,000 क्लासरूम्स हैं जिनमें 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। रोजाना 10 लाख बच्चे सुबह बैठ के अपने अपने क्लासरूम में बैठ के पहला पीरियड हैप्पीनेस क्लास का होता है उनका, और उसमें से 5 मिनट माइंडफुलनेस। उन एक्टिविटी के भी हमने एसेंस में जाना शुरू किया है। स्टोरी के साथ प्रॉब्लम क्या है वो हिंदी में कहते हैं ना, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हर कहानी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शिक्षा देती है, ये बहुत वाइब्रेंट है। अगेन एक एनेक्डोट दे सकता हूँ उस पर कि किसी भी घर में, हम सब कुछ लोगों को ऐसे को जानते होंगे कि एक आदमी के घर में अगर दो बच्चे हैं, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और शराब पी के अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और उसके घर में दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, उनमें से एक इसलिए शराब पीता है क्योंकि उसने अपने पिताजी को शराब पीते हुए देखा था, और एक इसलिए शराब नहीं पीता है क्योंकि उसने अपने पिताजी को शराब पीते हुए देखा था। किसी भी कहानी से हमें कैसी भी शिक्षा मिल सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसे लें, उसको ड्राइव करना है। तो हैप्पीनेस जो क्लास है हमने इस तरह से डिजाइन किया है ताकि जो स्टोरीज हैं हमारी उनसे ड्राइव होकर सही चीज माइंड में इंट्रोस्पेक्शन में जा सके, इमोशनल साइंस में जा सके। बहुत सारी स्टोरीज इसमें शामिल की हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल की हैं, बहुत सारी गुड बिहेवियरल प्रैक्टिसेस उसमें शामिल की हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कोर मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस का है, और उसका रिजल्ट ये आ रहा है। अभी जुलाई में लॉन्च किया था, जुलाई हमारा ट्रेनिंग में निकल गया सारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने। अभी मैंने सारे प्रिंसिपल्स के साथ में 50-50 के ग्रुप में बैठ के मीटिंग की थी, बहुत सारे इश्यूज थे, उसमें से हैप्पीनेस पे भी मैंने उनसे बात की कि हैप्पीनेस क्लास कैसी चल रही है। एंड ऑलमोस्ट इन एवरी मीटिंग 10-15 प्रिंसिपल्स टोल्ड मी कि सर हैप्पीनेस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशन इन एजुकेशन सेक्टर। आई सेड व्हाई, क्योंकि बच्चों ने उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, अपने अपने फीडबैक दिए उन्होंने कि साहब बच्चों का अंदर का एग्रेशन कम हो रहा है, बच्चों की आपस की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिहेवियर हम चेंज होते हुए देख रहे हैं, पेरेंट्स आकर रिपोर्ट कर रहे हैं साहब कुछ बच्चों के अंदर चेंज हम महसूस कर रहे हैं, रिश्तों में एक डिफरेंस रेस्पेक्ट आने लगी है, बच्चे अपने घर में जाके एक, हमने एक स्कूल को पकड़ के स्टडी किया, ऑलमोस्ट 80% बच्चे घर में जाके अपने पेरेंट्स को, या तो भाई बहन को, या पेरेंट्स को, या ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी ना किसी को माइंडफुलनेस करा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज हुई है। एक रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने हैप्पीनेस को कवर किया, उन्होंने पूछा क्या करते हैं, तो उन्होंने एक पूरी क्लास अटेंड की, एट द एंड ऑफ इट ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस कि भाई क्या सहता है, उसमें जर्नलिस्ट को बताया उसने, आई रेड इन न्यूज़पेपर एंड देन आई फॉलोड इट, कि साहब मेरे पिताजी एक दिन घर में बहुत टेंशन में आए, मैंने उनको कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको हैप्पीनेस सिखा देता हूँ, मेरे स्कूल में हैप्पीनेस सिखाते हैं। मैं एक स्कूल में गया, मैं रोजाना पूछता हूँ बच्चों से, जाता हूँ बात करता हूँ कि आपको हैप्पीनेस क्या फ़ायदा हो रहा है, और मैं थोड़ा रिवर्स में कहता हूँ, अगर हम तो 2-3 महीने के लिए लागू किए थे, बंद कर देना, एवरी स्टूडेंट से नहीं सर इसको बंद मत करना, मैं क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ, जनरल वर्ड्स हैं सर हम लोग ना शांत रहने लगे हैं, मन शांत रहने लगा है, पढ़ाई में फोकस होने लगा है, प्रिंसिपल्स कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ रही है, स्कूल में यही बच्चे उठा के टोटियां तोड़ते थे वॉशरूम में, अभी नहीं कर रहे हैं, दैट्स देयर ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल का अपना ऑब्जर्वेशन है, उनके लिए मुश्किल था कि वॉशरूम की टोटी की रखवाली कैसे की जाए, बट हैप्पीनेस हैज हेल्प देम,
ये सारे ऑब्जर्वेशन उन लोगों से आ रहे हैं वहां से लेके। अब मैं बच्चों से पूछा तो ऐसी जनरली हर क्लास में बोलते हैं, सर हम शांत रहने लगे, हमारा मन बहुत शांत रहने लगा है। तो मैंने एक क्लास में पूछा बच्चों से कि यार सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चे हो, छोटे छोटे से, हमारे हिंदी में बोलते हैं पैंदने पैंदने से बच्चे हो, छुटके छुटके से, सेवन्थ क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है, तुमको किस चीज़ की टेंशन है यार? तुम कहते हो मन शांत रहने लगा है जी, हैप्पीनेस से मन शांत रहने लगा है। तो वन गर्ल सेड एंड दैट्स द हार्ड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, आवर ओन सोसाइटी व्हिच वी बिलोंग टू। उस लड़की ने मुझे बोला सर आप समझेंगे नहीं, मेरे घर में मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये तो बहुत जगह हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री है और ये अजम्पशन है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी तो चल जाएगी, तो लड़की को वहाँ पढ़ा लो, उसकी शादी ही करनी होगी, लड़के को वहाँ पढ़ाओ ताकि भले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े लेकिन जहाँ खानदान चलता रहे, जिससे नाम चलता रहे, ये अजम्पशन ठीक है वो है। तो लड़की कहती है कि मेरी टेंशन रहती थी साहब कि मेरे भाई को खाना अच्छा मिलता है, उसको कपड़े अच्छे मिलते हैं, सुबह उसको नाश्ता अच्छा मिलता है, बोली मैं रोजाना स्कूल आती थी, सर मैं रोजाना स्कूल आती हूँ, रोजाना घर पे नाश्ता करके, हमारे अपने शब्दों में उसने बोला कि मेरे और मेरे भाई को ब्रेकफास्ट देने में डिस्क्रिशन, मैं स्कूल आती थी टेंशन में आती थी कैसे पढ़ूंगी मैं, पर जब से माइंडफुलनेस की क्लास शुरू हुई है, हैप्पीनेस की क्लास शुरू हुई है, एवरी मॉर्निंग देन आई स्पेंड फुल डे इन कंप्लीट ऑफ माई सेल्फ, मैं पूरे समय पढ़ने पे फोकस कर पा रही हूँ। नहीं तो वो घर से टेंशन लेके आती थी और दिन भर उसी उलझाव में रहती थी और फिर वापस उसी घर में जाना है। सो कितना सोशल मिजरीज को किस एंगल से सॉल्व कर पाएगा माइंडफुलनेस का ये कैरिक्रम, हैप्पीनेस का ये कैरिक्रम, हमने भी नहीं सोचा था। बहुत सारे डायमेंशन हैं इसके। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल में आइए आप लोग, यू प्लीज कम। हम लोग अभी एक और अभी बस पाँच मिनट और लूंगा उसके बारे में, नई चीज़ ला रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी आपके घर के आसपास कहीं गवर्नमेंट स्कूल होगा, विक्रम है यहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आनंद है ऑफ कोर्स, आनंद इज नाउ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, कुछ स्कूल्स में आके बच्चों से बात करिए। दे वांट टू मीट पीपल, दे वांट टू मीट सक्सेसफुल पीपल, दे वांट टू मीट पीपल हु हैव ड्रीम्स, एंड एक्चुअली दे आई डोंट नो दे वांट और नॉट, बट आई थिंक दे नीड टू मीट पीपल हु हैव ड्रीम्स, हु कैन एटलीस्ट ट्रिगर देम टू हैव सम ड्रीम्स। कहां खड़े हम देश में, मैंने ट्रिपल आई टी में गया, मैंने वहां बच्चों से कहा यार उनको इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल गई हैं, आसपास के स्कूल में जाना शुरू करो, बच्चों बच्चे गए वहां पे, ट्रिपल आई टी डी के बच्चे वहां पे जाना शुरू किए गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहां फिर मैंने फीडबैक लिया कि क्या व्हाट्स योर फीलिंग, बोले जी बच्चों के अंदर सपने ही नहीं। लड़का कहता है क्या पढ़े सर, लड़का क्या पढ़े सर, वो मेरे एक मामा जी हैं बीएसएफ में नौकरी लगवा देंगे, दसवीं पास पे नौकरी लग जाती है। अब ट्रिपल आई टी डी का बच्चा मतलब ही वाज शॉक्ड, वो तो सपनों से निकल के आया है ना, बट देश तो वहां खड़ा है जिसके कोई सपने नहीं है जिंदगी में। मैं बीएसएफ में जाने को बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ क्यों पढ़ूं, क्योंकि मुझे तो मामा जी के सिफारिश से बीएसएफ में नौकरी लग जाएगी, या हमने काउंसलर्स रखे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, काउंसलिंग करते हैं, मैंने अपने काउंसलर से फीडबैक दी कि हाउ इज गोइंग, वन ऑफ द काउंसलर्स टोल्ड मी कि सर हम बच्चों को ट्रिगर करते हैं, बात करते हैं, उसे इंस्पायर करने की, तो वो मतलब उनके अपने तरीके हैं, बोले कि सर गाँव में देहात है, यहाँ पे लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़कियाँ पढ़ के हम कहते हैं कि जॉब कुछ करना, कुछ सोचना, कुछ आगे बढ़ना, फर्दर स्टडीज क्या सोचते हो उस पर काउंसलिंग करें। लड़कियों का एक बहुत कॉमन जवाब है सर घर में जो, वो सर जगह थी, घर में जो वातावरण है वो ये है कि बेटा ठीक से पढ़ ले, शादी ठीक जगह हो जाएगी। उस सब के बीच से हैप्पीनेस हेल्प कर रहा है समाज के बीच में। तो आप आइए, वो आपकी भी जरूरत है वहां पे, और आपको भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिलेगी। लास्ट में जिस चीज का मैं जिक्र करना चाहता था बट थोड़ा सा अपने तक रखिए अभी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको, मतलब इट्स द इनिशियल फेज। ये हमने नर्सरी से आठवीं तक किया है, नाइन्थ टू ट्वेल्थ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था अभी तक कि भाई आप हमारे यहाँ भी हैप्पीनेस कार्यक्रम शुरू करिए नाइन्थ ट्वेल्थ में, तो हमने आगे उसका प्लान बनाया है, सॉर्ट ऑफ नेमिंग इट कि नर्सरी से आठवीं क्लास तक हैप्पीनेस कार्यक्रम और नाइन्थ क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम। इसी को टर्न करना है, हैप्पीनेस को ही आगे लेके चलना है, माइंडफुलनेस को भी आगे लेके चलना है, अच्छी प्रैक्टिसेस को आगे लेके चलना है, लेकिन अभी तक हो सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन में हम लोग उसके मदद ले रहे हैं कि एक फकीर थी,
वो या एक आदमी कहीं जा रहा था उसने देखा कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं उसने पूछा किसी आदमी से आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स आई मीन आइडिया कि उसने पूछा कि क्या कर रहे हो उसने कहा पहले मजदूर ने कहा जी मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ सेम ग्राउंड पे दूसरे मजदूर ने कहा जी मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ तीसरे मजदूर ने कहा जी मैं स्कूल बना रहा हूँ यहाँ पे बच्चे पढ़ा करेंगे एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए तीन मजदूर तीन जवाब देते हैं थर्ड इज इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ हैप्पीनेस पहला दुखी है दूसरा मेहनत कर रहा है तो वो उससे मदद कर रहे हैं हम बच्चों को आइडेंटिफाई करने की वहां तक ठीक है लेकिन 9th to 12th में जो एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम है वहां मैं चाहता हूँ कि रियल टाइम स्टोरीज हों अभी मुझे किसी साथ मुझे ठीक से याद नहीं किसी ने मुझे बोला कि दबास साहब कहाँ हैं अच्छा हाँ आपने बताया कि गांव का ही हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा इसीलिए कि उनके बीच में जाना चाहिए कि कोई आदमी जो खेत में हल चलाता था आज एक बिजनेस मैनेजमेंट बन के बैठा हुआ है व्हाई नॉट जस्ट नो देम आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये कर लो बिट्टू टिक्की वाला पता नहीं अपने से कितने लोगों ने उसकी टिक्की खाई है उसकी स्टोरी मेरे एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टर का हिस्सा होनी चाहिए यो यो और उसी तरह से होनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कैसे जा सकता है ऑड्स में भी कैसे नया किया जा सकता है रिस्क कैसे लिए जा सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12th बड़ा पीरियड है अगर हम रोज एक घंटे का बच्चा उस बच्चे का एक घंटा उसमें डालें 10 साल हैप्पीनेस 4 साल एंटरप्रेन्योरशिप क्लास आई थिंक वी कैन बिल्ड इंडिया वी कैन give it we can have a dream of new chemistry lekin us chemistry ka connect paida nahi ho raha hai is saal 10th class ki topper cbse toppers ko maine aise recognize karne ke liye unko motivate karne ke liye bulaya tha trigonometry mein math mein uske 100 out of 100 the maine pucha kya acha lagta hai math mein trigonometry achhi lagti hai मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ट्रिग्नोमेट्री क्या अच्छी लगती है बेटा क्यों कहाँ यूज होती है शी टुक 3 मिनट्स टू टेल मी उसने अंदर से कहीं से ढूंढ के निकाला सर बिल्डिंग बनाने में यूज होती है फाइन बट इट टुक हर 3 मिनट्स तो इसका मतलब क्लास में कनेक्ट नहीं था उसने अपने इनोवेशन से कहीं से सोच के निकाला कि ये ट्राइंगल एंगल कहीं तो काम आता होगा ये पाइथागोरस कहीं तो काम आती होगी तो उसने लगा दिया लेकिन इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमने उसको पढ़ा दी हमने सारा कैलकुलस उसको पढ़ा दिया लेकिन उसकी यूटिलिटी जीवन में क्या है इसी और ये सिर्फ इसकी नहीं है साइंस हर बच्चे को इसलिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि साइंटिस्ट बनाना है या उसको इंजीनियर बनाना है साइंटिफिक थिंकिंग पैदा हो ना देश में इसलिए साइंस पढ़ा रहे हैं 6th to 10th तक साइंटिफिक थिंकिंग नहीं पैदा हो रही है कबीर किस लिए पढ़ा रहे हैं हिंदी किस लिए पढ़ा रहे हैं लिटरेचर किस लिए पढ़ा रहे हैं ताकि उसके अंदर मतलब मैं आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा जो हिंदी बैच में पढ़े होंगे 6th to 12th तक कबीर पढ़ा हूँ मैं अपने स्कूल में और मैं हिंदी बैठ को जानता हूँ कि खूब कबीर पढ़ाते हैं 7 साल कबीर पढ़ाने के बाद अगर किसी आदमी के अंदर हिंदू और मुस्लिम के हेट्रेड बची रही तो इट्स अ फेलियर ऑफ आर टीचिंग हमने 2 नंबर के हमने कैसे पढ़ाया हमने पढ़ाया कि साहब कबीर पढ़ा देते हैं ये वाला दोहर रट लेना 2 नंबर आ जाएंगे कबीर की औकात हमने 2 नंबर की बना दी साइंस की औकात हमने खत्म कर दी कि भैया इंजीनियर बनोगे तो साइंस काम किए नहीं तो बेकार है सो इस सबको हटा के एक नया क्रिटिकल अप्रोच पैदा करें एंड आई एम श्योर आप सब लोगों की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं आपसे मैं कोर्ट में जाता हूं जजेस बहुत मिलते हैं पर्सनल पार्टीज में मिलते हैं बीइंग मिनिस्टर में सबके सामने हाथ जोड़ता हूं मैं गवर्नमेंट स्कूल में कभी कोई जज गया नहीं है आप जाइए ना मिलिए उनके लिए यही बड़ी चीज होगी कि कोई जज हमारे हाईकोर्ट का उन्होंने हाईकोर्ट शब्द सुना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट शब्द सुना है आप आइए तो सही आप सब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए आप देखिए इट्स ड्यूअल लर्निंग प्रोसेस and ultimately we want a different country for us we all want what kind of city what kind of country we need for us us sab mein contribution hai to main aap sabko dhanyawad deta hu aap sab logon ne itne shanti se suna quickly ek do cheeze agar aap kuch interact karne ke usme kuch kehna chahte hain to please thank you sir my name is vikas saraogi I would like to also thank miss atishi who has done an amazing and incredible work in the education sector I would also like to request you to kindly briefly tell about her because she is a Rhodes scholar and Rhodes scholar is one of the most eminent celebrities who are learned professionals across the globe 800 crore duniya mein logon mein se takriban 80 90 lakh hi chune jate hain har saal aur india mein I think 134 crore ki abadi mein takriban 7 ya 8 log chune jate hain so it's a great privilege to have atishi
Ms. Atishi in part of Saral's team. And she was advisor to education minister for 3 years. Until recently, till the time Honorable LG of Delhi decided that she can't continue on the salary of 1 rupees per month, which she never got actually. So, she is a St. Stephen topper, then Oxford, then Rhodes Scholar, and then started teaching in Rishi Valley. Then decided, when we came to power, then she decided to come and work with us. Because ultimately, ye sara kaise kaam karta hai? Again, मैं जर्नलिस्ट था, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, आप सब लोग भी उसमें से बहुत, आई कैन कनेक्ट, आई होप आप सबके साथ में. हमारे कुछ मित्र बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें लगा कि हमारे पास 40-50 उस दौरान 80,000 रुपए की तनख्वाह मिलने लगी है, तो 2,000-3,000 रुपए अपनी पॉकेट से गरीब बच्चों के लिए डोनेट करते हैं, और अभी भी बहुत लोग करते हैं. हमारे जिस मित्र के मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उसने 8 साल दो, और जब वो करने लगे तो 10 और दोस्त हो गए, 10 दोस्तों ने मिलकर 2,000 रुपए की मदद करके 8 साल में 10 बच्चों की जिंदगी बदली. 3 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. एंड वन फाइन मॉर्निंग ही सेड टू मी कि मैंने 8 साल में अपने 10 दोस्तों को जोड़ के 10 बच्चों की जिंदगी बदली. पिछले 3 साल में मैं आम आदमी पार्टी के साथ वॉलंटियर कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने 40 बच्चों की जिंदगी में इंटरवेंट किया है. इट्स अ बिग डिफरेंस. राजनीति अपनी जगह चलती रहे, हम सोशल वर्क करते हैं, उससे काम चलेगा नहीं. राजनीति को साफ करना भी बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड आदर्श टू कंटेस्ट एंड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रादर देन एन एडवाइजर टू मिनिस्टर जिसके पास 1/3 पावर है. थैंक यू. To bring down the incidence of disability. So, you know, if there is, you know, somehow that we can look at your really young children, and if there are children, because right to education, no child left behind, if all children within those neighborhoods are attending school or not, and do the teachers really require concentrated training on being inclusive and making sure these children are in age-appropriate classrooms with all children? We are also taking this on board, and we are doing a comprehensive survey of each and every household of Delhi government. Delhi, किसके घर में कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, कितने स्कूल आउट हैं, कितने किस लेवल पे ड्रॉप होके क्या कर रहे हैं उसका, क्योंकि हम अभी स्किल पे बात करते हैं, बट क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, और वो ड्रॉप आउट होने के रीजंस क्या हैं, डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के साथ क्या है, कहाँ अभी स्कूल में है, घर में है, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, क्या है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. बट अदर देन स्कूल में जो कुछ वट एवर बेस्ट इंटरवेंशन विद ऑनेस्ट कमिटमेंट चल रहा है. So this is from All India Council for Technical Education. Yes. Recently, I was attending one training, and trainers were from UK. They asked me to write who are your stakeholders. So I wrote students, teachers, and then industry. Everything I wrote. They said you have not written school students. Why? You are into higher education. Your major stakeholders are school students, and we don't have any connect with them. जब तक हायर एजुकेशन का कनेक्ट स्कूल एजुकेशन से नहीं होगा, हाउ स्टूडेंट्स लाइक स्कूल स्टूडेंट्स विल नो वेयर दे वांट टू गो, व्हाट दे वांट टू डू. सो एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें, आई वुड दैट्स व्हाई गिव यू एन एग्जांपल. मैं ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, बट अदरवाइज आल्सो यू सी इसको मर्ज करना पड़ेगा. एजुकेशन वो नहीं रही है, और हमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी करना पड़ेगा. अभी हम देशभक्ति को मानते हैं कि जो आदमी बॉर्डर पे जाके खड़ा होता है वही देशभक्त होता है, जो आदमी तिरंगे को ठीक से सल्यूट कर लेता है वही देशभक्त होता है, वो देशभक्त होता है. पर जब देश बेरोजगारी से लड़ रहा हो तो जो आदमी 2 लोगों को भी नौकरी देता है वो भी देशभक्त होता है. दिस डेफिनेशन हैज टू बी चेंज एक्सटेंडेड. दिस डेफिनेशन हैज टू बी पेनिट्रेटेड इन द माइंड्स एट द स्कूल लेवल. स्कूल में हर कॉलेज लेवल पे तो फिर भी अलग अलग कॉलेज है. आप IIT में पढ़ते हैं, अलग माहौल है. आप NIT में पढ़ते हैं, कुछ और माहौल है. नोएडा के किसी कॉलेज अलग अलग माहौल है. स्कूल में तो पूरे देश में आप BPS में चले जाइए, म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए, गवर्नमेंट में चले जाइए, हर जगह आदमी नौकरी ढूंढ रहा है, और उसको बिल्डअप किया जा रहा है नौकरी ढूंढने के लिए. वहां उसके अंदर ये फीलिंग नहीं डाली जा रही कि नौकरी दे के भी जिंदगी चल सकती है, नौकरी ढूंढ ही रहा है. मतलब तो उसको कॉलेज लेवल पे तो बहुत सारे इंटरवेंशन शुरू हो गए हैं, मैं उस इंटरवेंशन को स्कूल लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप
जो क्लास होगी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हमारा कोशिश वही होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा क्लास 9 से 12 तक पीपल शुड नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, तो उसके लिए करियर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। दे डोंट नो व्हाट इज सो सर आई वांट टू ऐड टू दैट ओनली। आई एक्चुअली हैव बीन एन सर कैन यू कंप्लीट या प्लीज। सो करियर काउंसलिंग इज कमिंग इन अ बिग वे एंड इट इज अ साइंटिफिक, इट हैज गॉट साइंटिफिक टूल्स व्हिच कैन आइडेंटिफाई द temperament and the liking of the person. Right, gotcha, sir. आप कुछ कहते हैं? I actually feel that 9th to 12th is actually very early to teach entrepreneurs. And you know, I have spent around 15 years in US, and I have been an entrepreneur myself for last 4 years. Yes, we have some stories, you know, like okay, Ritesh Agarwal of Oyo, this person of Ola, and we are trying to show and sell those dreams to kids. But I think that before the age of 18. A person is not mature enough to even decide, but then they actually start working hard towards that without even realizing what it takes to be an entrepreneur. So I was in US, I was in Silicon Valley, and I saw that nobody taught entrepreneurship to anybody till the class 12. I think, you know. ठीक है, I take a note of it. Yeah, yeah. Thank you. That was the point I wanted. ठीक है, thank you very much. Sir ने कहा था counselling के लिए problem क्या हो गया है कि अभी जो आप entrepreneurship पे कर रहे हैं ना कि हमारे I'm sorry to say, but हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की परिभाषा थोड़ी बहुत नैरो है अभी जो आप बात कर रहे हो। बच्चा खड़े होके ठीक से हाथ मिला सके, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू छोड़ दीजिए, अभी बहुत बात की बात है, ग्रेजुएशन के बाद बात करेंगे, पर क्लासरूम में खड़े होके टीचर के साथ ठीक से बात कर सके, मेरे लिए वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है। वो पॉजिटिव, वो समझ सके कि जिंदगी सिर्फ उसी से नहीं चलती है, उसके आप समझ रहे हैं वो बच्चा किस माइंडसेट से निकल के आ रहा है, उसके उस माइंडसेट को डिकंडीशन करना भी मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सारा है। इसीलिए वो करियर काउंसलिंग एक छोटा सा कोई 7 दिन 10 दिन 20 दिन का पैकेज चल नहीं पाता है। सबने बहुत ट्राई किया है बिकॉज स्केल हमारी बड़ी जरूरत है। आप किसी एक स्कूल के 100 बच्चों को जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं 3 सेक्शंस में 4 सेक्शंस में उनको आप करियर काउंसिल कर सकते हो, लेकिन जब आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 2.5 लाख बच्चे 3 लाख बच्चों को कैरियर काउंसिल करने जाओगे और उससे नीचे भी बात होगी, उस वक्त आप कैरियर काउंसलर्स कहां से लाओगे उस स्केल की और उस लेवल की? वहां फिर मुझे लगता है वही वो कैरियर काउंसलिंग इसी का हिस्सा है। आई एम सेइंग 4 साल यूज इट वाइजली, आप इनपुट दीजिए मुझको कि क्या करना है। आई एम नॉट डिस्कार्डिंग योर इनपुट, दैट्स व्हाई आई टेक नोट ऑफ इट, बट क्या करना है और क्या नहीं करना है इसमें दोनों चीजों को हमको ध्यान में रखना है। सो वी आर इन डिजाइनिंग प्रोसेस ऑफ इट, प्लीज गिव इनपुट टू अस आनंद, यू कैन टेक, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।